हेलो एंड वेलकम टू मेक मैथ सिंपल। आज का जो टॉपिक है वो एकदम इजी है और इसे हम आज एकदम फन वे में पढ़ेंगे। सो जो टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सो ये जो है मैंने एक ट्रेन बनाई है और हम लोग जो है इस डब्बे में बैठे हैं, राइट। तो हमारे जो आगे वाला जो डब्बा है दैट इज कॉल्ड सक्सेसर, उसे क्या बोलेंगे? सक्सेसर। एंड जो पीछे वाला है दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। तो यही एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ्स में भी हम यूज करेंगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि राइट द सक्सेसर ऑफ 6320, हमें एक नंबर दिया है और बोला है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 6320, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी हमको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसमें प्लस 1 करेंगे, और जब भी प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना होगा तब हम क्या करेंगे, माइनस 1। सो 6320 प्लस 1, सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6321। सो 6321 इज द सक्सेसर ऑफ 6320। सेकेंड क्वेश्चन इज 2999, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस 1, तो उसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3000। So 3000 is the successor of 2999. Now second question जो है उसमें पूछा है write the predecessor of, अब हमें नंबर दिया है और उसका predecessor find out करना है। predecessor में हम क्या करते हैं, माइनस 1, सो 4000 माइनस 1, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 3999. सो 3999 इज द predecessor ऑफ 4000. नाउ 7291 का प्रीडिसेसर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 1, सो इसका आंसर आ जाएगा 7290. लास्ट में 1 है सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7290. सो 7290 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 7291. सो चिल्ड्रन दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।